अगर आप भी कमाना चाहते हैं महीने के लाखों रुपए, लाखों नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए लेके आई हूँ। ये वीडियो को पूरा देखिएगा। सिर्फ और सिर्फ 700 मुर्गी पाल करके आप कमा सकते हैं महीने के लाखों रुपए। तो 700 मुर्गी को पालने में आपको कितना समय लगेगा, ये कितना कुल खर्चा लगेगा, उसके बाद इसको बेचने के बाद आपको क्या प्रॉफिट होगी, तो सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी। तो ये वीडियो छोड़कर कहीं नहीं जाना है। 10 मिनट टाइम आपने कीमती समय में निकालिए और विस्तार से इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और जहां भी हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो जैसा कि मैंने कहा है कि आप भी कमा सकते हैं महीने के लाखों रुपए, तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने ये बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 700 मुर्गी अगर आप पालते हैं, 700 मुर्गी को पालने में सबसे पहले मैं आपको खर्चा बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके पास अगर इन्वेस्ट के लिए पैसे नहीं है तो आप कहाँ से कमाएँगे, है ना? तो इसीलिए ज़रूरी है कि पहले हम इन्वेस्ट को जानेंगे। तो अगर हम 700 मुर्गी पालते हैं तो अभी का जैसे कि रेट चिक्स का जो चल रहा है, तो अभी जैसे कि 22 रुपया का रेट है, तो 700 मुर्गी अगर आप लेते हैं तो आपको यहाँ पे 700 मुर्गी 22 रुपया के रेट से पूरे 15,400 रुपये आपका चिक्स का हो जाता है। ठीक है, चिक्स तो आपने खरीद लिया है, लेकिन इसके बाद हम चलते हैं सीधा दाने के ऊपर। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि हम सिर्फ चिक्स का, उसके खाने का, उसके मेडिसिन का खर्चा बताएंगे, उसका रख रखाव कहाँ करना है, कैसे करना है, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगी फिर कभी। लेकिन वो आपका अपना होगा कि आपको किस तरह के घर में रखना है, रखने का सारा व्यवस्था आपका खुद का होगा, उसका खर्चा भी अलग ही होगा। तो यहाँ पे हमने चिक्स खरीद लिया है 15,400 में, 700 चिक्स। अब हम उसको प्री स्टार्टर देंगे जो कि स्टार्टिंग में दिया जाता है। तो अगर हम प्री स्टार्टर देंगे तो 700 मुर्गी के लिए हमें 3 बैग प्री स्टार्टर खिलाना है, जो कि हमें 2600 रुपया पर बैग के हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पे आपका टोटल जो है 3 बैग का 7800 रुपये हो जाता है। ये आपका प्री स्टार्टर का रेट बता रही हूँ। और उसके बाद जब आपका 3 बैग प्री स्टार्टर ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको 2 बैग स्टार्टर देना है, जो कि आपको पड़ेगा 2000 रुपये पर बैग। तो यहाँ पे 2000 रुपये पर बैग के हिसाब से 2 बैग, तो आपका 4000 रुपये स्टार्टर का पड़ जाता है। प्री स्टार्टर स्टार्टर तो हो गया, अब यहाँ पे आता है ग्रोबर। अगर बॉयलर में देखा जाए तो प्री स्टार्टर स्टार्टर के बाद आता है फिनिशर, तो सोनाली में जो है प्री स्टार्टर स्टार्टर के बाद आता है ग्रोबर। तो आपको ग्रोबर लेना है, जो कि आपको पूरे 37 बैग लेना है, 37। ध्यान से सारा चीज़ सुनिएगा, यहाँ पे आपको 37 बैग ग्रोबर लेना है, जो कि आपको 1500 रुपया पर बैग के हिसाब से मिलेगा। तो अगर 1500 रुपया पर बैग अगर मिलता है तो यहाँ पे आपका 37 बैग का टोटली जो है 55,500 रुपये हो जाता है। अब ये तो खाने का टोटली खर्चा हो गया कि इतना खाना आपको 700 मुर्गी को खिलाना है। अब हम बात करते हैं मेडिसिन की। तो पर मुर्गी को आपको 5 रुपये की मेडिसिन देनी ही पड़ेगी। तो अगर 5 रुपये की देनी पड़ेगी तो 700 मुर्गी है, तो 700 मुर्गी में आपका टोटली जो मेडिसिन का खर्चा है वो आपका 3500 रुपये हो जाता है। कुल जो लागत आपका आता है, टोटल लागत जहां हमने चिक्स खरीदा था तब से लेके मेडिसिन तक का खर्चा आपका टोटली जो है 86,200 रुपये का हुआ। ठीक है, तो इतना तो आपका लागत गया। अब हम बेचने का दो तरीका आपको बताएंगे, जिसमें कि एक बहुत इजी है घर बैठे होलसेल को सेल करना। ठीक ना, तो अगर आप होलसेल के भरोसे हैं तो होलसेल आपको 210, 220 इस तरह का रेट जैसे जब चलता है उस तरह का मिलता है। तो हम जो है 210 रुपये के रेट में ही चलिए दे देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने 210 रुपये के रेट में दिया है टोटली 700 चिक्स को, तो आपका पर किलो के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका टोटल जो है 1,37,000 रुपये टोटल आपका हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, 1,47,000 रुपीस जो है यहाँ पे होता है। अब जो है आपका कितना लागत गया था, लागत यहाँ पे आपका 86,200 रुपये गया था।
तो 147,000 में आपको क्या करना है, 86,200 को माइनस कर देना है। टोटल जो आपका बचत होता है वो है 60,800 रुपये। बताइए कौन सी प्राइवेट जॉब है जो आपको 60,000 मंथली दे सकती है। तो ये तो आपका घर बैठे बिठाए होलसेल का रेट हो गया। अब जो दूसरा तरीका मैं बेचने का बता रही हूँ वो है खुद की मार्केटिंग। तो अगर आप खुद की मार्केटिंग पे जाते हैं तो रेट तो आपका अपना रहेगा। आप 300 में भी बेच सकते हैं, 350 में भी बेच सकते हैं, आप 400 में भी बेच सकते हैं। चलिए हम 300 ही मान के चलते हैं क्योंकि टोटली को हमें बेचना है। तो हम अगर 300 रुपये किलो भी अगर हम खुद से बेचते हैं मार्केट में, तो यहाँ पे आपके पास 700 मुर्गियाँ हैं। तो 700 अगर हैं तो यहाँ पे टोटल जो आपका कुल प्रॉफिट आता है वो आपका जो है 210,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर भी आपको माइनस करना है जो लागत आपको आया है, क्योंकि वो तो हमने होलसेल को दिया था, ये हमने खुद मार्केटिंग किया है। तो खुद मार्केटिंग किया इसलिए हमारे पास टोटली जो है 210,000 रुपये आ गए। अब इनमें से आपको 86,200 रुपये को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आपको टोटली कितना बचता है, 123,800 रुपये। बताइए इतने सारे पैसे तो बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर को भी नहीं मिलती है जितना कि एक फार्मर कमा लेते हैं पर मंथ। अब बात करते हैं कि 700 मुर्गी हमने पाला और हमने बेच भी दिया, लेकिन हमने ये तो बताया ही नहीं कि मॉडलिटी के लिए कितना रखें, कितना परसेंट मरती तो है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपने 700 का बजट बनाया है, तो अगर आपने 700 का बजट बनाया है तो आपको 750 मुर्गी खरीदना है। 50 आपको एक्स्ट्रा में लेना है, जो कि आपको ये सोचना है कि 50 मुर्गी मॉर्टलिटी के लिए हम रख देते हैं कि कभी अगर कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो इसके लिए आपको 50 एक्स्ट्रा लेना है, तभी आप एक अच्छे बजट बना पाएंगे। तो ये तो हो गया आपका जो मॉर्टलिटी था वो। अब बात करते हैं कि क्या आप हर मंथ 123,000 या फिर 24,000 इस तरह का कुछ कमा सकते हैं। तो जी हाँ, आप पर मंथ कमा सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप पर मंथ डालोगे तभी तो आप पर मंथ कमाओगे। अगर आप एक बार डालें फिर आप उसको निकलने का इंतज़ार करोगे तो फिर तो आपको 3 महीने रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है 3 महीने में रेडी होता है और हर 3 महीने में आपको इतना प्रॉफिट होगा। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा वाला करना चाहते हैं, पर मंथ वाला या फिर 3 मंथ वाला। जो भी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या डिसीजन है, आगे आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो रुकिएगा नहीं, फटाफट से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सोचने वाले सोचते ही रह जाते हैं और करने वाले कर गुजरते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।